अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बिहार के किशनगंज बहादुरगंज में जो लोचा इज्तिमा 2 और 3 मार्च को तय पाया गया है, जिसका लोकेशन, जिसका रूट इस प्रकार है। जैसे कि आप लोग, सबसे पहले मैं किशनगंज का रूट बता देता हूं। अगर आप लोग किशनगंज आते हैं तो किशनगंज से आप लोगों को जनता होता हुआ सीधा आप लोगों को बहादुरगंज एलआरपी आना पड़ेगा, और बहादुरगंज एलआरपी आने के बाद आप लोगों को 500 मीटर मात्र 500 मीटर दूर है झांसी रानी चौक। झांसी रानी चौक आने के बाद सीधा पश्चिम साइड जो रास्ता गया है जुरेल के साइड, सीधा आप लोगों को लोचा पुल या फिर लोचा इज्तिमा गाह डायरेक्ट पहुंचा देगा, ठीक है। फिर आप, मैं एयरपोर्ट वाला बात बताता हूँ, बागडोगरा एयरपोर्ट। बागडोगरा एयरपोर्ट अगर आप लोग आते हैं, एयरपोर्ट में उतरते हैं, तो या तो फिर आप लोग सीधा इस्लामपुर होता हो आप लोग किशनगंज पहुंचिए, या फिर आप लोग अगर ठाकुरगंज पहुंचते हैं तो ठाकुरगंज पहुंचने के बाद पवाखाली होता हुआ आप लोगों को NH 327 पकड़ करके आप लोगों को सीधा बहादुरगंज पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। बहादुरगंज पहुंचने के बाद फिर वही झांसी रानी चौक पश्चिम साइड जो रास्ता गया है वो लोचा पुल जो आप लोग पहुंचेगा, सीधा इज्तिमा गाह दिखाई दे रहा है, ठीक है। इज्तिमा गाह आप लोग आराम से पहुंच सकते हैं। फिर मैं आप नेपाल और दिगलबैंक के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग नेपाल से हैं, नेपाल से अगर हैं तो आप लोग सीधा दिगलबैंक पहुंचिए, ठीक है। दिगलबैंक पहुंचने के बाद फिर आप लोग दिगलबैंक से सीधा बहादुरगंज एक रास्ता है, और सीधा वो आप लोग आ सकते हैं बहादुरगंज, ठीक है। बहादुरगंज आने के बाद फिर वही झांसी रानी चौक पश्चिम वाला रास्ता, फिर लोचा पुल के बाद सीधा लोचा पुल के जस्ट बगल में ये है लोचा इज्तिमा गाह, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बता दूं नेपाल का टेरागाछ, ठीक है। मैं आप नेपाल टेरागाछ का रूट बता देता हूँ। नेपाल टेरागाछ से आप लोग डायरेक्ट आप लोग लोचा इज्तिमा गाह पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब मैं गाइस बता देता हूं आप लोगों को अररिया वाला रास्ता, ठीक है। आप लोग अगर पटना से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, या फिर अन्य जगह से आते हैं, या फिर अदर कंट्री से आते हैं, आप लोग अगर अररिया पहुंचते हैं तो अररिया पहुंचने के बाद सबसे पहले आप लोगों को अररिया से आप लोगों को जोकी हटाना पड़ेगा NH 327 पकड़ करके, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को या तो फिर यहां से फिर दो रास्ता है, एक प्लासी साइड से आप लोग डायरेक्ट इज्तिमा गाह पहुंच सकते हैं, ठीक है, या फिर NH 327 पकड़ करके सीधा आप लोग बहादुरगंज एलआरपी चौक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नाम याद रहेगा बहादुरगंज एलआरपी चौक, ठीक है। बहादुरगंज एलआरपी चौक जी पहुंचे, किसी को भी पहुंचना है झांसी रानी चौक आने के बाद मुझे लोचा इज्तिमा गाह जाना है, तो पश्चिम साइड जो जुरेल साइड की तरफ जो जुरेल होता हुआ जो रास्ता जा रहा है सीधा आप लोगों को लोचा इज्तिमा गाह पहुंचा देगा। तो दोस्तों, यही है मेरा आज का लोकेशन, आज का रूट, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो जो है हेल्पफुल होगा और दोस्तों के लिए हेल्पफुल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि जगह जगह से लोग जो आने वाले हैं तो वो लोग सही लोकेशन और सही रूट पता करके डायरेक्ट वो लोग इज्तिमा, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, डायरेक्ट वो इज्तिमा गाह पहुँच सकते हैं। तो गाइस, हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि पूरा वर्ल्ड में छा जाना चाहिए कि जो लोचा इज्तिमा होने वाला है ये ऐतिहासिक इज्तिमा होने वाला है, और ऐतिहासिक इज्तिमा होकर के रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे, और ये इज्तिमा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है बस, ठीक है गाइज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच गाइज, बाय।